आपकी माँ की जो बातें थी उसे सुनकर उन्हें मैं कैसे क्षमा करूं? अगर गांव के किसी और ने ऐसी बातें की होती ना तो मैं क्षमा कर देती, पर तुम्हारी माँ तो परिवार की है, अपना ही परिवार, और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। अब क्षमा करने का मन भी नहीं करता। एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा करने का हृदय, क्षमा करने का स्वभाव हर एक में होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तभी क्षमा करने का एक हृदय प्रभु हमें देंगे। खुशहाल परिवार के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे घरों में और हमारे मनों में इस त्योहार की अपार खुशी को भर देने का एक महीना है, ऐसा हम लोग जानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम क्षमा के बारे में देखने जा रहे हैं। जो लोग माफ़ी मांगना जानते हैं वो मन फिरा कर जीते हैं, और जो माफ़ करना जानते हैं वो खुशी से भरे जाते हैं, ऐसी एक कहावत है। जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया है उसी तरह हमें भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, यही आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। ये माफी का स्वभाव हमें न होने के कारण कई लोग मन में दुख के साथ, कड़वाहट के साथ और बदले की भावना के साथ जी रहे हैं। कई परिवार का विभाजन भी हुआ है। परमेश्वर के जो हम बच्चे हैं हमें वैसा नहीं बनना है। प्रभु की आज्ञा मानकर दूसरों को क्षमा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में क्षमा के बारे में हम कई कार्यों को देखकर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार में भी भरपूर आशीष प्रदान करेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम ज्योति बहन। आइए देखते हैं। बेटा तुम जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लो, तभी तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए मैं बात कर सकती हूँ। मैंने नौकरी पर जाने से मना कब किया? ढूंढी तो रहा हूँ ना, मिलते ही चला जाऊंगा। भाई रमेश। आइए भाई साहब। और बोलिए भाई साहब, आज रास्ता कैसे भटक गए? ऐसी तो कोई बात नहीं है रमेश, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मतलब आपको पैसे चाहिए होंगे? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब बताइए लड़की कैसी है? लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है। पर लड़के की नौकरी के बारे में? लड़के के बारे में तो सब कुछ बता दिया है और उन्हें सब कुछ मंजूर भी है। पहले लड़की को देखाते हैं, अगर लड़की पसंद हो तो बात आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। तो लड़की देखने कब जा सकते हैं? शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, क्यों ना कल ही जाकर देखा है। आप क्या कहती हो बहन? ठीक है भैया, चलते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है, मिलते हैं। अगर लड़की मुझे पसंद आ गई तो अगले ही मुहूर्त पे शादी। क्या बात है, किसी ख्याल में डूबे हुए लग रहे हो, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हो। हाँ हाँ बहुत खुश हूँ, मेरे लिए दुल्हन तैयार हो गई। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। विश्वास तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। कल सुबह ही जाना है, बिना भूले आ जाना, ठीक है? हाँ जरूर। बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं। मुझे बहू से बात करने का बहुत मन हो रहा है, शायद वो मुझसे बात ना करे। मैंने उसे अब तक इतना दुख जो दिया है, मुझे माफ करना उसके लिए आसान नहीं होगा। नहीं माँ, मैं समझाऊंगा उसे। तो देरी किस बात की, लड़की को ले आइए। रुकिए रुकिए, ऐसी भी क्या जल्दी है, दूल्हा काम कहाँ करता है।
भैया जी ने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरा बेटा नौकरी की तलाश में है, जल्दी उसे कोई नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, देखिए बुरा मत मानिए, आजकल तो नौकरी करने वाले किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर पाते, पर आपका बेटा तो नौकरी की तलाश ही में है। मुझे लगता है कोई एक काम ढंग से करे, वो नौकरी भी ढूंढ रहा है और लड़की भी ढूंढ रहा है, ये कुछ ठीक नहीं लगता। आप मुझे गलत मत समझिए, हम ये बात यहीं खत्म कर देते हैं। मालती, मेरी माँ ने जो कहा वो गलत ही था, इसलिए तुम्हारी बात मानकर हम यहाँ आ गए। और अब तक तुम उन्हें क्षमा क्यों नहीं कर रही हो? आपकी माँ की जो बातें थी उसे सुनकर उन्हें मैं कैसे क्षमा करूं? अगर गांव के किसी और ने ऐसी बातें की होती ना तो मैं क्षमा कर देती, पर तुम्हारी माँ तो परिवार की है, अपना ही परिवार, और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, अब क्षमा करने का मन भी नहीं करता। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो भी तो हमारा ही परिवार है, क्षमा कर दो उन्हें, पिछला सब कुछ भूल कर मेरी माँ से बात कर लो। सुनो, इतना उदास क्यों हो? छोड़ो भी, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं उदास नहीं हूँ। तो चेहरे पर बारह क्यों बजे हुए? मैं सोच रहा था कि राजेश ने ऐसा क्यों किया। हाँ, माँ ने बताया, उसी ने जाकर लड़की के घर में बताया ना कि तुम बेरोजगार बैठे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। उस लड़की के पिताजी ने जो कहा उसका भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन राजेश ने देखो गद्दारी कर दी। अब छोड़ो भी, क्षमा करके भूल जाना ही लोगों के लिए भला होता है। क्षमा? जान चली जाए तो भी उसका मुंह नहीं देखूंगा। मालती। अरे दीदी, आप सब्जियां खरीदने आई हो? हाँ दीदी। अच्छी हूँ? मैं अच्छी हूँ दीदी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं, मैं क्यों आप पर नाराज हूँ? नहीं दीदी, मुझे आप पर कोई भी नाराजगी नहीं है। अब आप चाहती क्या हो, मैं सिर्फ आपको क्षमा कर दूँ, है ना? मैं दिल की गहराई से आपको क्षमा करती हूँ, ठीक है? ओके दीदी, मिलते हैं, बाय। दीदी। हाँ? क्या किसी और की गलती को हमें क्षमा कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो बात ऐसी है, मैं अपनी सास को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। मालती, क्षमा का मतलब होता है कि जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई उसे तुम दंड ना दो। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उसकी जगह हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने जो कुछ भी किया हमने उसे स्वीकार कर लिया। भले ही हम सही हो और हमारे मन को बहुत बुरा लगे, पर उनसे नाराज ना होते हुए हम जब सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जाने देते हैं, वही क्षमा है। हम औरों को क्षमा किए बगैर गुस्से में ही रहे तो हम कभी भी खुश या शांति में रह नहीं पाएंगे। मालती, हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर जीवन में चिड़चिड़ापन या फिर नाराजगी हो तो हम जिंदगी में कभी भी खुश या शांत नहीं रह पाएंगे। और क्षमा करने के लिए समझदारी भी होनी चाहिए। पहले तुम अपनी सास को समझ लो। पर फिर भी मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रही हूँ।
अगर किसी को माफ करना हो और फिर भी हम नहीं करते तो एक अपराध बोध मन में भरा रहेगा। क्षमा करने का मन सभी को एकजुट करने वाला प्रेम का एक मुख्य गुण है। क्षमा करना परमेश्वर का स्वभाव है और क्षमा न करना इंसान का स्वभाव है। जैसे मसीह में परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हें भी उसी तरह दूसरों को क्षमा करना है। हम जो रोजाना प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जानती हो उसमें क्या कहते हैं? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब अगर मैंने क्षमा नहीं किया तो मेरे भी अपराध आप क्षमा मत कीजिए। यही प्रार्थना तो हम रोजाना करते हैं। कितनी बार गलती क्यों ना हो जाए, हमें उसे क्षमा करने के बारे में ही प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। तुम भी अपनी सास को क्षमा कर दो और उन्हें अपना बना लो। ठीक है दीदी। मालती, क्या हुआ? कितनी बार गलती क्यों ना हो जाए, हमें उसे क्षमा करने के बारे में ही प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। तुम भी अपनी सास को क्षमा कर दो और उन्हें अपना बना लो। सुनिए, जरा अपना फोन दीजिए। क्यों, क्या हुआ? सासू माँ से बात करनी है। अच्छा, देता हूँ। हेलो सासू माँ। भाई साहब, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, सिर्फ थोड़े समय की मोहलत दीजिए। ए, मुझसे ही चालाकी करता है? इतनी मजाल हो गई तेरी, तुझे तो। नहीं नहीं भाई साहब, मैं चालाकी नहीं कर रहा, सारे पैसे ब्याज में ही चले जाते उल्टा हैं। उल्टा जवाब देता है, हाँ? जुबान लड़ाता है मुझसे, लिए हुए पैसे लौटाने की औकात नहीं और बड़ी नहीं बड़ी बातें करता है। ए, तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा यहाँ पर, याद रखना, चालाकी नहीं। आपके पांव पड़ता हूँ, माफ कर दीजिए। जय कीजिए भाई साहब, तरस खाइए, थोड़ा और समय दीजिए भाई साहब। तो क्या आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? हमें भी एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए और उसी तरह का एक जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जीकर हमारे लिए एक उदाहरण रखा है। इसके बाद हमारे परमेश्वर प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करने जा रहे हैं। हमारी प्यारी बहन जॉयस लाजरस आकर परमेश्वर का संदेश देकर आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने वाली है। लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और आप भी परमेश्वर का आशीष पा लीजिए। परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस कार्यक्रम से जुड़े आप हरेक को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे लगातार बातें कर रहे हैं। कई परिवार आज बिखरी स्थिति में हैं, कई परिवारों में शांति भी नहीं है और कई ऐसे परिवार हैं जो आज आंसुओं के बीच में, वेदना के बीच में हैं। और आज इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर विभाजन की आत्मा को दूर करके जिन परिवारों में विभाजन हुए हैं उन्हें अवश्य एक करेंगे और परिवारों को आशीष करने की इच्छा से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आप अपने करीबी लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कहिए और उतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में जो संदेश दिया जा रहा है उसका पालन करके प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देंगे और आने वाले समय में वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। आज के इस दिन इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। जैसे मसीह में परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, आप भी औरों को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने का स्वभाव, क्षमा करने का गुण हम सभी के अंदर होना चाहिए। क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें गले लगाया और संगति में रखा है, हमें उनकी संतान के रूप में बदल दिया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया,
अगर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा नहीं किया तो इस संसार में हम आशीष नहीं पा सकते। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया है उसी तरह हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। एक क्षमाशील हृदय चाहिए। इफिसियो अध्याय क्रमांक 4 और उसका वचन क्रमांक 32 हम देखें। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो पवित्र शास्त्र हमसे यही कहता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने का जो गुण है उसे हम हर एक में होना चाहिए। उसे परमेश्वर से मांग कर हमें प्राप्त करना है। हे परमेश्वर, क्षमा करने का स्वभाव मुझे दीजिए। मेरे पति को मुझे क्षमा करना है। परिवार में पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा करे, पत्नी पति को क्षमा करे, एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। क्षमाशील हृदय, क्षमाशील स्वभाव हम हर एक में होना चाहिए। जब हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर हमें क्षमा करने का स्वभाव देंगे। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। तो मेरे प्रिय जनों, क्षमा करने का हृदय हम हर एक में होना चाहिए। इस कार्यक्रम से जुड़े आप हर एक में ऐसा होना चाहिए। झगड़ा करने वालों के समान या चिड़चिड़ेपन में रहने वालों के समान बिल्कुल नहीं रहना है। क्षमा करने का स्वभाव हम हर एक में होना चाहिए। तो मेरे प्रिय जनों, एक बहुत अच्छा परिवार, एक समृद्ध परिवार, उसमें माता पिता की एक ही बेटी थी। और उस बेटी को देखिए, उसकी माँ ने बहुत ही आत्मिक ढंग से प्रार्थना में जीवन में मार्गदर्शन किया था। उसकी छोटी उम्र से ही एक आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन करके वो दोनों ही घर में जब भी मौका मिलता तो साथ में प्रार्थना करते, पारिवारिक प्रार्थना करते। तो वो अच्छी प्रार्थना करने वाली एक लड़की थी। अब माता पिता ने उस लड़की की शादी के लिए प्रार्थना की और एक अच्छे लड़के से शादी करवा दी। शादी के बाद अब वो लड़की एक आशा के साथ थी, अपने ससुराल गई होगी, क्योंकि वो बहुत ही समृद्ध परिवार से थी और वो उस माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो बहुत ही प्रार्थनामय जीवन जीती, प्रभु के साथ संगति में रहती, प्रभु उससे बात किया करते थे और वो भी प्रभु से बात करती। उस तरह का एक स्वभाव था उस बेटी का। अब देखिए, उसकी शादी हुई, फिर वो ससुराल गई, पर वहां उसकी सास ने उसे सताना शुरू किया। जब वो अपने माता पिता के साथ थी तब बढ़िया भोजन मिलता था, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उस लड़की के माता पिता कई गरीबों की मदद किया करते थे, साफ मन के थे वो लोग। और जहां पर उस लड़की की शादी हुई थी वहां जो सास थी वो बहुत ही कष्ट देने वाली सास थी। उस लड़की के साथ एक नौकर से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उसने सहन कर लिया था। उसने अपने माता पिता या किसी रिश्तेदारों से कुछ नहीं बताया, बस शांत रही। उसे अपने मन में ही रखकर रात के समय सब लोगों के सो जाने के बाद शांति से रात के समय में वो प्रार्थना किया करती थी। पति इस पर जरा भी ध्यान नहीं देते, अपनी पत्नी का वो जरा भी ख्याल नहीं रखते थे, पर इन सब बातों के लिए वो बेटी अपने मन में प्रार्थना करती थी। और सबके खाना खाने के बाद में जो बचा कुचा होता था उसे ही वो खाती थी। कई बार सिर्फ रोटी रह जाती थी, सब्जी नहीं होती थी। कई बार चावल होता था पर कड़ी नहीं होती थी। और कई बार तो घर में कुछ भी नहीं बचता था, ऐसी स्थिति होती थी। बस वो पानी पीकर ही पेट भरती और फिर सो जाया करती थी। तो ऐसी ही स्थिति के बीच प्रभु ने उसके आंसू को देखा। प्रभु की उपस्थिति में वो लगातार आंसुओं के साथ प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु इन लोगों के मन को आप बदल दीजिए, ऐसी वो प्रार्थना करती थी। किसी के साथ वो ये बातें साझा नहीं करती थी, ना अपने माता पिता को बताया था, ना रिश्तेदारों को, ना ही अपने पति को। वो ये बात सिर्फ प्रभु परमेश्वर के सामने रख कर प्रार्थना करती थी और रोती रहती थी। फिर प्रभु ने उसके आंसुओं से भरी प्रार्थना को उत्तर देना शुरू किया। उसकी जो सास थी जो लगातार उसे सताती थी, उन्होंने लकवे की बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ ली थी, चल फिर नहीं पाती थी, एक हाथ और एक पैर बेकार हो गया, वो चल नहीं पाती थी। और डॉक्टरों ने भी कई सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए पर उन सभी का कोई फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। अब उन्हें घर पर ही रखकर उनकी देखभाल की जाती थी। तो वो जो बहू थी उसने अपने सास की एक माँ की तरह देखभाल करनी शुरू की। और उतना ही नहीं, अपनी सास को वो अपने हाथों से खाना खिलाती और उनके लिए जो भी जरूरत की चीज थी वो सब उस बेटी ने किया। प्रेम भाव के साथ उसने सब किया। वो उन्हें खाना खिलाती थी,
एक दिन उसकी सासू माँ उसका हाथ पकड़ते हुए बहुत रोने लगी। उन्होंने उसे कहा कि मैंने तो तुझे बहुत सताया है आज तक, मैंने बहुत ही वेदना पहुंचाई है, मैंने तो कह रखा था कि तुम्हें खाना भी ना दे, ऐसे बहुत मैंने तुम्हें सताया है, पर तुमने मुझसे प्रेम भरा व्यवहार किया, मेरी इतनी देखभाल की, तुमने मुझे दिल से क्षमा कर दिया है और अपने ही हाथों से मुझे खाना भी खिलाती हो। ऐसा उस सासू माँ ने अपनी बहू का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मुझे क्षमा करो, मैंने अपनी हरकतों से तुम्हें बहुत वेदना पहुंचाई है, मुझे क्षमा कर दो। तुम हमारे ही भरोसे हमारे घर आई थी और मैंने तुम्हारे साथ एक नौकर से भी बदतर बर्ताव किया, पर तुमने हमारे साथ बहुत ही प्रेम भरा व्यवहार किया और तुमने मेरी इतनी देखभाल की है बेटी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। ऐसा उस सासू माँ ने अपनी बहू का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए उन्होंने अपनी बहू से माफी मांग ली। तो क्षमा करने का मन, क्षमा करने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हो सकता है सास अपनी बहू को क्षमा ना कर पाए, हो सकता है बहू अपनी सास को क्षमा ना कर पाए, हो सकता है पति अपनी पत्नी को क्षमा ना कर पाए, या फिर पत्नी अपने पति को क्षमा ना कर पाए। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस कार्यक्रम से जुड़े आप सभी लोग अगर चिड़चिड़े या अहंकार में रहते हो तो अभी कहिए, हे प्रभु मुझे बदल दीजिए, मुझे बदल दीजिए, ये चिड़चिड़ापन और ये गुस्सा निकाल दीजिए, ये जलन का स्वभाव निकाल दीजिए। ऐसे आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उतना ही नहीं, आपकी क्षमा करने का गुण आप मुझे दीजिए, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। जब हमारे अंदर क्षमा करने का गुण होता है तो परिवार का विभाजन नहीं होता, परिवार में आशीष बना रहेगा, परमेश्वर का आशीष, क्षमा करने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करने का स्वभाव प्रदान करेंगे और प्रभु हमें आशीष देंगे, हमारे परिवार में आशीष बनाए रखेंगे, बेहाल हो चुके हमारे परिवारों को बनाने में प्रभु हमारी सहायता करेंगे। चलिए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु आज इस कार्यक्रम द्वारा आप अपने बच्चों के साथ बातें कर रहे हो प्रभु, उसके लिए आपकी स्तुति हो। मन में आत्मिक बदलाव हो जाने दीजिए प्रभु, हर एक के अंदर क्षमा करने का स्वभाव भर दीजिए, आपकी क्षमा का गुण हे परमेश्वर हर एक में भर दीजिए। हे परमेश्वर हमारे अंदर आपके क्षमा करने का गुण भर दीजिए, ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक में अभी अपने क्षमा करने का स्वभाव भर दीजिए, हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को स्पर्श करके अपने क्षमा करने का स्वभाव भर दीजिए। इस समय हमारे कार्यक्रम से जुड़े हर एक लोग अपने जीवन में सदा सफलता पाए, जो परिवार टूट फूट कर पूरी तरह से बिखर चुका है, जहां पर शांति समाधान नहीं है, वहां पर यीशु मसीह के नाम में शांति बनी रहे, हर एक परिवार में शांति बनी रहे, हर एक परिवार में आशीष बना रहे, परिवारों में दरार लाने वाली आत्माएं, शांति को चुराने वाली आत्माएं, नफरत फैलाने वाली आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह नाश हो जाए, परिवारों में आशीष बना रहे। और परमेश्वर परिवार के अंदर आपने जो आशीष रखे हैं उसे अपने बच्चों को देकर अपने बच्चों में खुशी भर दीजिए, सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपकी स्तुति करती है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी स्तुति आदर महिमा हम आपको ही प्रदान करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो प्रिय जनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो आशीष को पाया है और भलाइयां पाई है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी लिखकर हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और दूसरे प्रभु के दास बिल्कुल तैयार है। हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले सभी कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और आशीष पाइए। फिर अगली बार अगले कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545445. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.